Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Civil Expert. I am engineer Muhammad Asif. इस वक्त मैं एक मस्जिद की साइड पे मौजूद हूँ और ये ऑर्थोगोनल एट साइड वाली जो है मस्जिद का काम जारी है. अभी जो है हमने डबल स्टील कॉलम के खड़े कर लिए. तो टोटल मस्जिद का जो साइज़ है ये 37 फीट क्रॉस 37 फीट है और 8 कॉलम्स हमने दिए हैं. ठीक है, जो हमारे जो मेन कॉलम्स आ रहे हैं ये 18 क्रॉस 24 इंच के हैं. ठीक है, इसमें हमने जो स्टील यूज़ किया 19 mm की 14 बार्स यूज़ की हैं और 9 mm का हमने स्टील डबल रिंग यूज़ किया. ये आप देख सकते हैं किस तरह हमने जो है रिंग को प्रॉपर बेंड किया है 135 एंगल पे. सिज्मिक हुक्स प्रोवाइड किए हैं और नीचे आप इसकी फुटिंग भी चेक कर सकते हैं. ये हमने 19 mm की इसका यूज़ किया है जाल के लिए और ये डबल फुटिंग होगी, डबल जाल होगा बेसिकली. इसके ऊपर 12 mm की अभी बार्स आनी है. ठीक है, फोर जो हमारे कॉलम हैं वो हमारा उनका जो साइज़ है वो 18 क्रॉस 24 इंच है. ठीक है, और जो बाकी चार कॉलम हैं उनका साइज़ 15 क्रॉस 15 इंच है. जैसे कि ये 15 क्रॉस 15 इंच इसका साइज़ है और जो बार्स हमने यूज़ किए 19 mm की 12 बार, 19 mm की हमने 8 बार्स और 4 बार्स हमने यूज़ किए हैं 12 mm की. और नीचे आप इसका जाल भी देख सकते हैं. मैं आपको आगे विज़िट करवाता हूँ. तो बेसिकली ऊपर हमारा जो बीम रन करेंगे दो, एक तो थ्रू आउट हमारी कॉलम के अराउंड बीम रन करेगा और दो सेंटर से हमारे जो है बीम रन करेंगे इन कॉलम से इन कॉलम तक, जिनका जो है स्पेन 37 फीट होगा वो इन कॉलम से इन कॉलम तक रन करेंगे. उस बीम का साइज़ ऑलमोस्ट 15 इंच क्रॉस 36 इंच उसकी डेप्थ होगी इंशाल्लाह, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा. तो ये देखें इसकी जो है फुटिंग का वर्क किस तरह प्रॉपर बेंड दे के और ये डबल मैश का यूज़ किया है. 18 क्रॉस 24 कॉलम का साइज़ है. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें. थैंक यू सो मच.